अगर किसी व्यक्ति या स्त्री की जन्म कुंडली में या किसी 14 साल से अधिक उम्र के बच्चे की जन्म कुंडली में कोई ग्रह नुकसान पहुंचा रहा हो या पीड़ित अवस्था में हो, तो उस ग्रह की शांति के लिए हमें उस ग्रह का विधि विधान के अनुसार व्रत करना चाहिए। यह परंपरा निरंतर चलती रहे तो आप इसलिए इस वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक अवश्य करें, अगर अच्छा लगा है तो कमेंट्स अवश्य करें और अपने इष्ट मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। चंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए जो सोमवार के दिन व्रत किया जाता है उसका विधि विधान इस प्रकार से है। यह व्रत चंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाला व्रत श्रावण, चैत, वैशाख, कार्तिक या मार्गशीर्ष के महीनों के किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से आरंभ किया जाना चाहिए। इस व्रत को 5 वर्ष, 14 वर्ष अथवा 16 सोमवार पर्यंत श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि आद्रा नक्षत्र सोमवार को अथवा श्रावण मास के प्रथम सोमवार को प्रारंभ करने का विशेष महत्व होता है। व्रत आरंभ करने वाले स्त्री या पुरुष को चाहिए कि प्रातः काल जल में कुछ काले तिल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद ओम नमो शिवाय आदि शिव मंत्रों द्वारा श्वेत फूल, सफेद चंदन, पंचामृत, अक्षत, सुपारी, फल, गंगाजल, बिल्व पत्र आदि से भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करें और पूजन के उपरांत नमक रहित भोजन करना चाहिए। चंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे मंत्र की 5 माला का जाप प्रति व्रत वाले दिन के हिसाब से अवश्य किया जाना चाहिए। व्रत का उद्यापन भी इन्हीं महीनों में करना श्रेष्ठ होता है। उद्यापन के दौरान दशमांश जप का हवन करके दूध, दही, खीर, चांदी या सफेद फलों का दान करना चाहिए। यह व्रत करने से मानसिक शांति, धन, पुत्र आदि सुखों में वृद्धि होती है और सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। करुणा बोला, आप क्या करती हैं? मैं होम ट्यूशन लेती हूँ, टीचर हूँ। कहाँ रहती हैं? वैस पटेल नगर। तो आप गुरुजी के पास आई, क्या प्रॉब्लम था आपका? एक्चुअली मेरा बेटा जो था नशे की गिरफ्त में था और नशे बहुत कर रहा था फ्रेंड्स के साथ और रात को भी लेट नाइट आना, परेशान करना, तो इन सब की वजह से मैं आई। कब से परेशान किया? मैं परेशान थी 4-5 साल से। मुझे कुछ उपाय बताए थे और साथ में मेरे को इन्होंने रिंग पहनने के लिए बताई थी बच्चे के लिए, तो वो मैंने फिर डलवाई थी। तो अब रिंग पहने कितना समय हो गया उसे? रिंग पहना था न्यू ईयर को, 1 जनवरी को, और तब से उसने एक बार भी ड्रिंक नहीं की है और अपना फ्रेंड्स वगैरह का साथ छोड़ दिया। आपको उससे इतनी देर में फायदा हो गया? हाँ जी, आज 1 है तो 1 महीने में मतलब बिल्कुल मुझे उसने कभी टच ही नहीं किया उसको। आप और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी गुरु जी गुरु माँ के बारे में? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, आकर एक बार जरूर मिले और जो वो उपाय बताए करें, निश्चित ही फायदा होगा उससे। आज की इस चर्चा को विराम देते हुए शीघ्र ही मैं आप सभी के समक्ष पुनः प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय शनिदेव।